हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज लाई हूँ मैं आपके लिए बाजार से भी ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नमकीन सेव की रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा। लिया है मैंने यहाँ पे घर में पिसा हुआ चावल का आटा। चावल का आटा बनाने के लिए हमें धो के उसे सुखा देना होता है, फिर बाद में जो भी आपकी नियर की चक्की है वहाँ पर पीस के ला सकते हो। आधा कप मैंने उसी कप से बेसन लिया है, बेसन ऐड कर दीजिए उसमें। यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब जीरा लिया है, थोड़ा सा कूट लिया है उसे। यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्ची को अच्छे से कूट लिया है, उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ऐड कर देना है 1.5 चम्मच के करीब। यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है थोड़ा सा, 1/4 चम्मच के करीब। स्वादानुसार नमक 2 से 3 चम्मच। यहाँ पे तिल ऐड करूँगी मैं, सफ़ेद वाले। आधा चम्मच हल्दी। यहाँ पे लाल मिर्च मैं ऐड कर दूँगी 1/2 चम्मच के करीब। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है 4 चम्मच के करीब। अच्छे से गरम करके ही हमें डालना है यहाँ पे तेल। इससे क्या होगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी सेव। चलिए मिक्स कर लेती हूँ इस सब मिक्सर को। ये देखिए ऐसे बन जाना चाहिए, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पे मैं हॉट वाटर ले लूँगी। अच्छे से आपको बॉईल कर लेना है पानी को, नहीं तो जो आपने चावल का आटा लिया है अच्छे से बंधेगा नहीं, अच्छे से गूंदेगा नहीं वो, और ये चिकना नहीं होगा आटा। ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पर गूँध लेना है। मेरे पास एक मशीन है, आसानी से बन जाएगा इसे सेव। आपके पास जो भी मशीन हो आप यूज़ कर सकते हो उसे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हमें ऑयल लगा लेना है, अच्छे से ऑयल लगा लेना है हमें अंदर। ऐसे आपको डाल देना है मिक्सचर अंदर, ज़्यादा भी मत भरिए। ये देखिए प्रेस इसको नीचे कर लेना है हमको, फिर इसे क्लोज कर लेना है अच्छे से। मैं सेव वाला यहाँ पे साँचा डाल दूँगी। आपको जो भी बनाना हो, जैसे भी सेव बनाना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट तेल में ही डाल देना है हमें। ये देखिए ऐसे डाल देना है आपको, इसे हमें जल्दी पलटना नहीं है जब तक कि अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। ये देखिए हो चुकी है एक साइड से, चलिए मैं पलट देती हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे कितनी क्रिस्पी बन चुकी है हमारी सेव, बहुत ही टेस्टी भी थी। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में।